कश्मीर के लोग, कश्मीर की आवाम, कश्मीरी अथवा कहीं में यहाँ के लोग बहुत फरिश्ते हैं। जिस तरीके से मीडिया ने देश की जनता को नफरत की आड़ में झोंकने का काम किया, जिनको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम किया वो, लेकिन इस देश की मीडिया और आरएसएस नारंगी बंजरंगी और कंगी लोगों ने इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। जो बीजेपी इस देश को तोड़ना चाहती है उनके मुंह पे तमाचा है और मीडिया के भी मुंह पे तमाचा है। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, सभी लोग एक है। नाम श्रवण पांडे, मैं उत्तर प्रदेश बस्ती जनपद से हूं और इस यात्रा का हिस्सा मैं कन्याकुमारी से हूं। जिस तरीके से पूरे देश में नफरत की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया था, ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने ये तय कर दिया, ये दिखा दिया कि वाकई में भारत की वो एकता और भारत की वो सांस्कृतिक, भारत की वो विविधता इस देश के सामने लोगों ने प्रस्तुत करने का काम किया। जिस तरीके से देश में चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी के बात हो, जो सरकार देश की जनता की आवाज को दबाना चाहती है उसको राहुल गांधी ने जमीनी स्तर पर उठाने का काम किया। आज इस ऐतिहासिक लाल चौक पे हम लोग खड़े होकर ये दिखा रहे हैं कि देश में जिस तरीके से मीडिया ने देश की जनता को नफरत की आड़ में झोंकने का काम किया, जिनको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम किया, वो कश्मीर में, कश्मीर के लोग, कश्मीर की आवाम, कश्मीरी अथवा कहीं में यहाँ के लोग बहुत फरिश्ते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं, लोग अमन चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत के नाम पे राजनीति करना चाहती है। नफरत का खात्मा होगा और देश में वही प्यार और सद्भाव के लिए देश को जाना जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा इस ऐतिहासिक लाल चौक पे पहुंची है। जो लोग कहते थे एक राज्य चलेंगे, दो राज्य चलेंगे, राहुल गांधी पैदल पहुंच नहीं पाएंगे, उनके मुंह पे तमाचा है और मीडिया के भी मुंह पे तमाचा है, जिन लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ के भी लोग चाहते हैं कि आप हमारे पास आए, हमसे मिले। लोग अपने घरों में लोग जगह देना चाहते हैं, दिल में, वाकई में कश्मीर में लोग, जो मीडिया दिखा रही है कि कश्मीर के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मैंने कश्मीर के लोगों को देखा, कश्मीर की आवाम को देखा, इन्होंने जो प्यार और मोहब्बत जो देने का काम किया है, वाकई में हमारा भारत इतना प्यारा है, लेकिन इस देश की मीडिया और आरएसएस नारंगी बंजरंगी और कंगी लोगों ने इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। लेकिन हम लोग देश की जनता को दिखाने का काम किए हैं कि कश्मीर के, कश्मीर की वादियों में वाकई में भारत का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग है। यहाँ के लोग भी उसी तरीके से हैं, जो बीजेपी इस देश को तोड़ना चाहती है, अब देश की जनता एक साथ होके और आने वाले समय में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग मीडिया के उसमें झांसे में आ रहे हैं, मैं भी पहले सोचता था इस देश में पत्रकारिता बहुत अच्छी है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था दिखा, उसने केवल गिद्ध मीडिया का काम किया, जहां हिंदू मुसलमान के मुद्दे आएंगे उन्हें तुरंत दिखाने का काम करेंगे। मैं कहता हूँ आप सभी लोग भाईचारा है, 12 राज्यों से होते हुए यात्रा है, वाकई में भारत के लोग बड़े प्यारे हैं, और जो लोग नफरत के नाम पे आग बोना चाहते हैं, मैं कहता हूँ हिंदी है हम उतन है हिंदोस्तान हमारा, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, सभी लोग एक हैं। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।